आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो यह है अपना फॉरेस्ट विभाग और उसके साथ ही बनी हुई है अपनी इधर चौकी। ये देखिए, ये फॉरेस्ट विभाग की चौकी बनी हुई है और इधर ये कुएं की व्यवस्था, जल की व्यवस्था। अब देखिए, यहाँ तक क्या होता है कि नदी में अगर ज़्यादा पानी आए तो भरा जाता है। अभी ये कहानी है कि आज जो तारीख है 10 जुलाई हो चुकी है, लेकिन अभी तक पानी इतना तेज़ आया नहीं है कि खेत से बाहर चला जाए। नहीं तो यहाँ की ये कंडीशन बन जाती कि यहाँ की जगह ये समझ लीजिए कि घुटने घुटने तक अगर नदी यहाँ तक भरा जाती है तो मिट्टी छोड़ के जाती है। लेकिन अगर पानी तेज़ आता है, ऊपर से आता है, तो यहाँ की ये कहानी हो जाती है कि यहाँ की जगह से पूरा नाला बन जाता है, खोद खाद के फुर्सत यहाँ जितनी भी मिट्टी खुदी हुई है पूरी नदी में चली जाती है। और यही कहानी यहाँ की भी रहती है, बहुत सारे खेतों की रहती है। खैर, तो अपने खेत की भी यही कहानी है। और फॉरेस्ट विभाग अपना ऐसा है कि इसमें लगभग 200 सागून की यही कहानी है। 200 सागून एकदम इस प्रकार से लगे हुए हैं। वैसे सागून बहुत कीमती चीज़ है, तो कीमती चीज़ तो अपने पास लगी है यार, पर अब देखते हैं। वैसे इनको क्या है कि अभी तक लगभग 50 साल तो हो गए होंगे, शायद 50 नहीं 40 तो हो गए होंगे, 40 साल में ये कहानी है इनकी। वैसे हाँ, ये कहानी रहती है कि हमारे वन विभाग में आए दिन चोरी चवाड़ी होती रहती है, इसलिए वो चौकी बनाई है। चोरी चवाड़ी ऐसी कि सागून काटा, उठाया और निकले।